व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर एक वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ और चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नोज़ ब्लैक हेड्स सबको होता है और सब परेशान रहते हैं इसके वजह से। और ये कैसे मतलब निकाला जाए, इसके मतलब तरह तरह के हम लोग नुस्खे वगैरह ढूंढते हैं, तो आज मैंने आप लोगों को ये कैसे निकाला जाएगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए, आप लोग चावल ले लें, या अगर चावल का पाउडर नहीं कर सकते हैं तो ऐसे चावल वाली पाउडर वाली पैकेट आती है, मैंने इसी को इस्तेमाल किया है। आप लोग कोई भी चावल ले लें, किसी भी तरह का, कोई ब्रांडेड नहीं चाहिए। आप उसको लेके आराम से आप एक प्याला में लीजिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैंने लिया है। देखिए देखो, थोड़ा सा लेना है। देखिए मेरा क्वांटिटी कितना है, इस क्वांटिटी में लेना है आपको। और गुलाब पानी से मिक्स करना है। मैं गुलाब पानी से भी मिक्स करके आपको लगा के बताती हूँ। ज़रा सा लेना है फ्रेंड, देखिए मैंने लिया है इसमें। इसको मिक्स करना है, इसमें थोड़ा सा ही लेना है। लेके इसको मिक्स करना पूरी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्स कर लिया है सबको। और इस पोजीशन में आपको भी मिक्स करना है, जैसे ऐसे आ जाए हाथों पे, एकदम लिक्विड ना हो। देखिए अब मैं आपको इसको अप्लाई करने बताती हूँ, मैं अपने हाथों पे बताती हूँ। आप लोग अपने जहाँ पे है नोस है वहाँ पर, उस जगह में, इस पोजीशन में इस तरह से मसाज करना है, लगा के ब्लैक हेड में 2 मिनट्स अच्छी तरह से इस तरह से मसाज करना है कि जितना ब्लैक हेड है अच्छी तरह से वहाँ से मतलब निकल जाए। इसका मसाजिंग से इस तरह से इस पोजीशन से खूब मसाज करना है। देखिए मैं जिस तरह से कर रही हूँ, इस तरह से कभी इस तरह से इस पॉइंट से या इस पॉइंट से करना है। इस तरह से मसाज करना है, सारा ब्लैक हेड निकल जाएगा और जो गंदगी भी होगी वो भी निकल जाएगी। 2 मिनट्स करना है आप लोगों को, 2 मिनट्स करना है इस तरह से। 2 मिनट में फिर आप इसको धुलाई कर लीजिए नोस को। नोस अपना धुलाई करके फिर इसको देखिए क्या दिखेगा आपको, जो निकल गया है वो दिखेगा और मैला भी जो है वो भी साफ़ हो जाएगा। देखिए मैं अपने हाथों पे करके आपको बताऊंगी। अभी मैं इसको साफ़ करके वॉश करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगाया है और देखिए कितना फेयर हो गया है जगह भी, और उसका ये भी मिट गया है। और ब्लैक हेड का जगह में होगा तो आपका ब्लैक हेड भी निकल आएगा और फेयर भी हो जाएगा थोड़ा। मैंने तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने होम रेमेडी से तो एक बता दिया है, एक मैं बाहर के प्रोडक्ट से बता रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। वाओ का है, देखिए ये पील ऑफ मार्क्स चारकोल का है, ये मैं ब्लैक हेड्स पर लगाती हूँ। और आप भी अगर चाहें तो इसको आराम से लगा सकते हैं, बहुत ईजी है लगाना, कोई घबराने की बात नहीं है। जिसमें हार्ट केमिकल्स नहीं है, अगर हार्ट केमिकल्स नहीं है तो वो आप लगा सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलिए मैं इसको आपको अप्लाई करके इसको मैं बताती हूँ कि इसे लगाया कैसे जाता है। देखिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ फ्रेंड, और आप मैं अपने हाथों से लगा रही हूँ। आप देखिए किसी स्टूल से या फिर किसी स्टिक वगैरह से लगा सकती हैं। मैं यहाँ लगा रही हूँ, ऐसे लगा के आराम से इसको मैं आपको छुड़ा के भी बताऊंगी। देखिए मैं यहाँ लगा रही, इसी तरह आप अपने नोज के ऊपर लगा सकती हैं। कम से कम 5 मिनट तक इसको लगा के ऐसे इसको सूखने दें। देखिए फ्रेंड्स, आस्ते आस्ते अब इसको पिल ऑफ करना है इस तरह से। देखिए देखिए किस तरह से ये छूट रहा है, आस्ते आस्ते ऐसे पिल ऑफ करेंगे, ये रबर की तरह छूट रहा है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से नीट एंड क्लीन हो गया एकदम, और कितना फ्रेशनेस दे रहा है। देखिए यहाँ पर का चूल भी था वो भी उजड़ गया है, एकदम फ्रेश हो रहा है। इसी तरह आपके ब्लैक हेड्स उतर जाएंगे एकदम। आप लगा के देखिए और ज़रूर से ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और कौन सा स्टेप आपको ज़्यादा अच्छा लगा, होम रेमेडी या पिल ऑफ मार्क्स वाला, तो आप मुझे अच्छे से आप बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में। मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।